हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ट्रेन के जो कोचेज है ये कैसे असेंबल होते हैं और कैसे बनते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गया हूँ बोगी शॉप में, और ये जो आप देख रहे हैं व्हील और एक्सल की असेंबली है, इसको बोलते हैं बोगी। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो ट्रेन के जो कोचेज होते हैं, ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, उनको बोलते हैं बोगी। बट दोस्तों, बोगी नहीं होती है। ट्रेन के जो कोचेज है, जिन व्हील की असेंबली पे टिका हुआ होता है, उस व्हील असेंबली को बोलते हैं बोगी। तो ये जो जो भी आप देख रहे हैं सामने, ये बोगी है दोस्तों। और एक बोगी में ऐसे मान सकते हैं कि दो व्हील एक्सल भी होते हैं और किसी में तीन व्हील एक्सल भी होते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये बोगी में दो एक्सल है। तो यहाँ पे एक एक्सल पे दो व्हील है, तो एक बोगी में यहाँ पे आप देख सकते हैं चार व्हील होते हैं और दो एक्सल होते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप की जो बोगी है, इसमें डिस्क ब्रेक यूज होते हैं, क्योंकि डिस्क ब्रेक यूज होने से जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है। पहले क्या होता था कि ड्रम ब्रेक यूज होते थे, तो ड्रम ब्रेक यूज होने की वजह से जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कम नहीं होती थी। काफ़ी दूर जाने के बाद में ट्रेन रुकती थी, तो उसकी डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे डिस्क ब्रेक आजकल यूज होने लग गए ट्रेन के ब्रेक में भी। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये दोस्तों शॉक एब्जॉर्बर है, जो क्या करते हैं ट्रेन की जो ट्रैक होती है, ट्रैक पे जो इरेगुलरिटीज होती है उसको क्या करता है, स्मूथ कर देता है। मतलब ये जो जर्क है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते अब मैं हैं। आपको लेके चलता हूँ असेंबली शॉप में, ट्रेन के कोचेज की असेंबली कैसे होती है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो कोच है ये बन के तैयार हो चुका है, बस इसमें अंडर फ्रेम का कुछ काम बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कोच में एक पीछे बोगी होती है और एक आगे बोगी होती है। और एक बोगी में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो एक्सल होते हैं, ठीक है, तो एक कोच के अंदर दो बोगी होती है और एक बोगी में दो एक्सल, मतलब एक कोच में टोटल चार एक्सल होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, ये आयरन की बनी हुई है। ये इसलिए बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पे जो बैटरी है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर वगैरह यहाँ पे नीचे लगाए जाते हैं अंडर फ्रेम में, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये लिखा हुआ है इंडियन रेलवे, और इसके जो कोचेज के ऊपर यहाँ पे ICF का लोगो भी तो रहता अब मैं है। आपको दिखा देता हूँ कि जो कोच है, कोच का अंदर का व्यू, ये दोस्तों आप देख लीजिए, इस तरीके से दिखाई देता है। और ये जो कोच है दोस्तों, ये AC कोच है। अब कैसे पता लगेगा कि ये AC कोच है, ये इसकी आप डिज़ाइन देख लीजिए, इसकी जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख लीजिए बड़े बड़े विंडो है, आप देख सकते हैं, और बड़े बड़े विंडो है। यहाँ पे अभी कांच लगने बाकी है, तो कांच भी लग जाएंगे यहाँ पे। तो बड़े बड़े विंडो तो होते हैं दोस्तों, ये AC कोच में होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये दरवाज़ा है, इसके लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बोगी पे लिखा हुआ है LWCCN। तो ये दोस्तों थर्ड AC के जो कोच होते हैं उनका एक कोड होता है, तो जहाँ पे लिखा हुआ है LWCCN, तो इसका मतलब ये थर्ड AC कोच है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्लीपर कोच होता है उनका कोड होता है LSCN, ठीक तो है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेकंड AC का कोच, यहाँ पे लिखा हुआ है LWACCW। तो ये दोस्तों ये कोड होता है सेकंड AC के कोच का। यहाँ पे फिर आप देख लीजिए LSCN, मतलब ये है दोस्तों स्लीपर कोच है, तो इसका ये कोड LSCN होता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर का व्यू, तो ये दोस्तों इस तरीके से है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एक कोच को बनने के लिए यहाँ पे मेरे को अंडर फ्रेम की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा साइड वॉल, फिर है रूफ, और उसके बाद में एंड वॉल। जो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में जो एंड पे जो वॉल है इसको बोलते हैं एंड वॉल, और साइडों में जो दोनों वॉल है उसको बोलते हैं साइड वॉल। और जो ऊपर रूफ टॉप है, ये रूफ टॉप की ज़रूरत पड़ती है, ये अलग अलग बनते हैं, फिर इनको असेंबल किया जाता है वेल्डिंग के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर हेड यहाँ पे क्रेन भी है, और इससे इस ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर जो भी जो बड़े बड़े भारी भारी जो रेलवे के कोच के जो पार्ट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये ओवरहेड क्रेन है, और इसको वर्कर्स वगैरह वही खुद ही ऑपरेट करते हैं। तो ये जो आप ओवरहेड क्रेन देख रहे हैं, इनकी हेल्प से जो भारी भारी पार्ट्स होते हैं कोचेज के, उनको आगे पीछे लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेन असेंबली शॉप। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोचेज है दोस्तों, ये कोचेज यहाँ पर इनका काम है, अभी होना बाकी है। तो ये अलग अलग शॉप के अंदर खड़े हैं, ठीक है। और दोस्तों ये भी आपने नोटिस किया होगा, जो इन जो कोचेज है इनमें अभी जो लेबोरेटरी है ये भी लगाया नहीं गया है। लेबोरेटरी दोस्तों बाद में लगता है, जब ये कोचेज का वेल्डिंग का सारा काम हो जाता है। और ये जो लेबोरेटरी होता है दोस्तों, लेबोरेटरी फाइबर का बना होता है,
तो वो बना बनाया आता है और इसके अंदर वो लगा दिया जाता है, फिर बाद में नट बोल्ट वो कस दिया जाता है, तो उसके बाद में जो कोच से वो पूरा तैयार हो जाता है। अभी दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडर फ्रेम है और ये रूफ टॉप है, तो अंडर फ्रेम का कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं कोच, इस पर लिखा हुआ EMU मतलब इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, जो लोकल ट्रेन का है दोस्तों ये कोच है। ये आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े इसमें दरवाजे बनाए गए हैं, वैसे आपने देखा होगा जो एक्सप्रेस ट्रेनों के जो कोचेज होते हैं उनमें जो दरवाजे काफ़ी छोटे होते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोच है इसके जो दरवाजे काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो ये लोकल ट्रेन के कोच है दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों क्रेन, ये एक्चुअली में जो ट्रेन के जो कोचेज होते हैं उनको कोचेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका यूज होता है। और इसके आप देख लीजिए काफ़ी लंबी इसकी चौड़ाई है और इसका आप ट्रैक भी देख लीजिए काफ़ी बड़ा है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों स्लीपर कोच, ये देख लीजिए स्लीपर कोच है। और यहां पे स्लीपर कोच के दरवाजे से आपको पता लग गया होगा बाहर ये रोड लगाई जाती है। और यहां पे दोस्तों ये जो कोच है इसकी वेल्डिंग हो चुकी है। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसे जो ट्रांसफॉर्मर है, बैटरी है, टैंक है, यहाँ पर नीचे लगाए जाते हैं और उसके बाद नट बोल्ट से कस दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों अंडर फ्रेम है, साइड बोल्ट मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अंडर फ्रेम है इसका काम चल रहा है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे टाइप का एसी कोच है दोस्तों, ये भी यहाँ पे बनने जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विंडो है काफ़ी बड़ी बड़ी है और उसके बाद में यहाँ पर जो ग्लास है वो लगाए जाएंगे। और बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो चुकी है, साइड बोल्ट, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूफ टॉप और अंडर फ्रेम। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो साइड वॉल है वो रूफ टॉप से वेल्ड करी जाती है और ये साइड वॉल है ये अंडर फ्रेम से भी वेल्ड करी जाती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है ये जो कोच का जो स्ट्रक्चर है बेसिक वो बनके तैयार होती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये है ट्रेन के कोच की रूफ टॉप, तो ये अलग बनी हुई होती है, ये अलग अलग बनती है, उसके बाद में असेंबली शॉप में आके असेंबल होती है। इस पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है टेस्टेड ओके, मतलब इसमें क्या होता है, पहले जो रूफ टॉप होती है दोस्तों बन के तैयार होती है, बनने के बाद में इसकी टेस्टिंग होती है दोस्तों। जब कोच है वो बन के तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर से पानी गिराया जाता है, 6-7 दिन तक कंटिन्यू पानी गिराया जाता है, अगर एक भी बूंद है वो पानी का लीकेज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये ओके है। उसके बाद में ट्रेन के कोचेज को सर्विस में लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेन के कोचेज है ये साइड वॉल और यहाँ पर रूफ टॉप इनकी वेल्डिंग हो रही है। और यहाँ पर रेलवे के वर्कर्स हैं दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जो अंडर फ्रेम है इस पर लिखा हुआ है LACCW, ये दोस्तों कोड होता है। और ये कोड का मतलब होता है कि ये जो कोच है ये सेकंड एसी का है। तो सबसे पहले यहाँ पे अंडर फ्रेम पे ये साइड वो लगाई जाती है और उसके बाद में यहाँ पे रूफ टॉप लगाया जाता है और उसके सबसे बाद में यहाँ पर लगाया जाता है एंड वॉल। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ICF है ये कौन कौन से कोच है अभी तक बना चुकी है और बना रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है यहाँ पर DEMU, तो डेमो कोचेज भी ICF के अंदर बनते हैं। इसके बाद में देख लीजिए कोलकाता मेट्रो है, फिर ACEMU अंडर सलंग, फिर IRCTC विस्टाडोम कोच भी यहाँ पे ICF के अंदर बनते हैं, फिर जम्मू एंड कश्मीर डेमो, इसके अलावा नेपाल, फिर एयर कंडीशन ACEMU भी बनती है। ACEMU दोस्तों अभी मुंबई में यूज हो रही है। तो ये थी डिटेल, थैंक यू दोस्तों।